गिर गया था, तो कई बार मुझे जो है ये निकालना पड़ता है क्योंकि इससे जो है थोड़ा क्लियरिटी जो है अच्छी आती है। दूसरा चीज़ अगर बताऊँ तो ये टूट गया, आप देख सकते हो थोड़ा इस पर दरार वगैरह आ गई है, और इसको मंगाने में जो है मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया में भी है नहीं, अलीबाबा वेबसाइट में है, लेकिन वहाँ पे आने यहाँ तक आने में मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। वो 1500 रुपये तक का है, लेकिन यहाँ आने में कम से कम 2500 रुपये इसके लग जाएंगे। कई लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि रिंकू भाई आपका जो ये कैमरा है कौन सा है और कितने प्राइस का है, तो आज की वीडियो में वो सारा आपको बताऊंगा मैं कि कितने प्राइस का है, और मेरा जो कैमरा है वो DJI का है या फिर GoPro का है, तो वीडियो को पूरी देखना। फिलहाल जो ये मंडवा वगैरह है इसको ज़रा फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अभी 2-3 दिन बाद हम लोग इसकी कुटाई करेंगे, फिर मंडवे का जो है दाने निकलेंगे, उसको पीस के फिर मंडवे का आटा बनाएंगे। वीडियो के एंड में आपको जो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि शायद मुझे लगता है कैमरों के मामले में और वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में कि क्या बेटर है और क्या नहीं है। तो फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जो ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सीधे पहाड़ से मैं आपका अपना रिंकू पहाड़ी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज आपको जो है बताएंगे कि हमारा जो है कैमरा कौन सा है। तो उससे पहले जो है मुझे गैरसैंड निकलना होगा, अपना जो क्षेत्र है। हाँ यह तुम क्या ढूंढते आई? घास। अच्छा, तो हाँ मैं कह रहा था मुझे गैर से निकलना है और वहाँ पे मुझे अपनी गाड़ी की जो है सर्विसिंग करानी है, क्योंकि जब से मैं दिल्ली से आया हूँ मैंने गाड़ी को सर्विस नहीं कराया। और जैसे मैं आपको एक लास्ट वीडियो में बता रहा था कि यहाँ पे जो है एक फ्रीलांसिंग का मैं एक जॉब कर रहा हूँ ट्रांसलेटर का, एक NGO में, तो वहाँ पे मेरा फिलहाल अभी फ्रीलांसिंग का काम चल रहा है एज अ ट्रांसलेटर। वहाँ तक जाने में काफ़ी मतलब गाड़ी का यार तेल फ्यूल वगैरह बहुत लग जाता है, तो इस चक्कर में मैंने कहा एक बार सर्विसिंग करा देते हैं और डॉक्टर साहब को ज़रा दिखा देते हैं गाड़ी का। जा रहे हो? अरे क्या हो? अरे हरे बुखार है क्यों हैं? कौचो मियाँ तबा बुखार। अच्छा चलते मिग्रेशन में दबे ढुल। हाँ मिग्रेशन जाने दबे ढुल। हाँ ये हरी है, कई मुझे वीडियो में कमेंट आया था कि रिंकू भाई आप हरी का घर नहीं दिखाते हो, तो ये हरी है और ये हरी की माँ है और ये इनका प्यारा सा घर है। तो आज जो है हरी की हल्का सा तबीयत खराब है ऐसा सुनने में आ रहा है, अब ये मेरे आने से हो रहा है या क्या हो रहा है, बट भाभी जी को हेल्प चाहिए घास के लिए। क्यों मन नहीं कर रहा घास बनाने का? ए सर वो आदि को वो हेल्प करियो मनी। तो कुछ मंडव वगैरह ला रहे हैं और कुछ हम जैसे लोग गैरसैंड जा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि यार आज छुट्टी था तो मैंने कहा जरा सर्विसिंग करवा देते हैं और एक बढ़िया सा आपको जो है ब्लॉग भी बना देते हैं। अरे उससे पहले तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच कि आपने जो है 20,000 जो है अपने मेंबर हो चुके हैं रिंकू पहाड़ी चैनल में, और यार मतलब काफ़ी खुशी की बात होती है। एक मतलब एक ऐसा लगता ना, एक टारगेट थोड़ा सा पूरा हो गया है और उसके बाद थोड़ा आदमी को जो है बोलने के लिए और अपने आप को खोलने के लिए एक मौका मिल जाता है। क्योंकि मैं देख रहा था यार जब 19,900 कुछ के आसपास था तो उसमें कम से कम 2 दिन लग गए भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ये बढ़ रहा ग्राफ घट रहा ग्राफ, लेकिन मैंने जैसे अपने आशुतोष नेगी करके हैं यहाँ पे बरा के भाई हैं, तो उनका मैंने जब वीडियो देखा था जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले थे, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मतलब यूट्यूब जो है पुराने सब्सक्राइबर को हटा के फिर कुछ तो मतलब रहता है कि ऊपर नीचे करता है जब आपके मतलब एक टारगेट पूरा हो जाता है, तो मुझे लगा कुछ वैसे ही हो रहा होगा और फाइनली 20K हो गया है। थैंक यू सो मच आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, और इंस्टाग्राम पे वगैरह मैंने डाल ही दिया था। बाकी अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो RINKU.PAHADI मेरा ID है, तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे फॉलो करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। हाँ रास्ते में एक प्यारी सी बच्ची मिली है हमें, जैसे मैं अपने नीचे जा रहा था तो हमने कहा आज इसका शूट कर लेते हैं, बहुत खुश हो रही है। तो आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मीठी। मीठी तो आप इतनी खट्टी तरीके से क्यों देख रही हो? हेलो कहाँ है ढोलकी? ढोलकी आ इनका कुत्ता है, मैंने आपको दिखाया एक वीडियो में, और बहुत ही प्यारा है, भोटिया कुत्ता है और प्यारा है, मतलब काला है लेकिन प्यारा है। क्या है क्या तूने खाना खा लिया है क्या तूने? चलो बाय कर दो। बाय बाय बाय। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ अभी, तो अभी टाइम चाहिए समझने के लिए कि क्या बोल रही है। अच्छा छू। अच्छा छू, ढोलकी को कह रही है अपने छू। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, बहुत टफ होता है बच्चों की भाषा समझना, चलते हैं। अच्छा हाँ उस टाइम से मैंने आपको बताया नहीं कि मेरा कैमरा कौन सा है। मेरा कैमरा जो है आपको मैं अपने छत से बताता हूँ। छत क्या मतलब सीढ़ी नहीं है वहाँ, चलो छोड़ो अभी सीढ़ी। तो ये देखो
ढोलकी, ये है हमारा ढोलकी, इसको हम प्यार से ढोलक बोलते हैं, ढोलकी। आ जा, कितना काला है ये और भुट्टा है भाई साहब ये। ढोलकी 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 ढोलकी, नहीं 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 ढोलकी, नहीं नहीं नहीं। वीडियो बनाते बनाते मैं ये भूल ही गया था कि मतलब आपको बताना है कि भाई मेरा जो कैमरा है वो DJI Osmo एक्शन कैमरा है। मेरा जो मेन पर्पज है कैमरा लेने का ये है कि इसमें एक तो मतलब स्टेबलाइजेशन बराबर होता है और दूसरा इसमें हल्का सा आपको दिख रहा होगा अगर पीछे का मेरा अगर देख सकते हो आप, तो इसमें थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी हो जाती है जिसको हम वाइड एंगल भी कहते हैं, जो कि मतलब मेरे ख्याल से DJI में है या नहीं है, क्योंकि मैंने DJI 7 लिया था और उसका शूट भी किया था अपने विधानसभा भवन का, तो उस टाइम पे वो फीचर तो था नहीं, सुपर व्यू का फीचर था बट वाइड एंगल का नहीं था। और ये थोड़ा सा बजट कम है इसका, DJI महंगा है, ये आपका अराउंड 18,000 का मैंने लिया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, और जो DJI का है वो आपके ऑलमोस्ट अगर आप लेना चाहोगे DJI 9-10 तो 30 से ऊपर के बैठेंगे आपको, 30-35 के आसपास आपको उसकी रेंज मिलेगी। तो ये कैमरा मतलब ऐसा है ना, इसमें मतलब आपको बढ़िया से बढ़िया फीचर मिल जाते हैं, एक तो मतलब ब्लॉगिंग का भी हो जाता है इसमें, मोटो ब्लॉग का हो जाता है, स्लो मोशन हो जाता है, हाइपर लैप्स हो जाता है, और ऑडियो तो आप देख ही सकते हो किस तरह की है। तो इन सबको देखते हुए मैंने ये कैमरा लिया। वैसे हमारा जो कैमरा है वो DJI Osmo एक्शन, आप चाहे तो ऑनलाइन देख सकते हो इसके फीचर वगैरह। तो भैया अरे यार इसको यहाँ पे मैं डेली बांध देता हूँ क्योंकि हवा है ना, हवा उसका रुख कभी भी बदल सकता है। फिलहाल जो है पेट्रोल भरने जाना पड़ेगा क्योंकि तेल बहुत पी रही है गाड़ी, इसलिए सर्विसिंग करा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रीट। तो मिलते हैं आपको सीधे पेट्रोल पंप पे, जरा तेल वगैरह भरवाते हैं और देखते हैं क्या रेट चल रहा है तेल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ्रूटी के लिए, ट्रीट के लिए। तो कैसे चिता रहे हो आप? तगड़ा चिता रही है ना। तो हमारे जो है गैरसैंण क्षेत्र में पेट्रोल का जो प्राइस है वो 100 रुपये 89 पैसे है, बराबर ना, 100 रुपये 89 पैसे। हाँ तो तेल का भाव बढ़ गया है, बस बढ़ गया है। अभी जस्ट पेट्रोल भरने के बाद अभी मैं गैरसैंण को निकल ही रहा था, तो हमारे रास्ते में जो है यहाँ पे मतलब एक अपने भाई है, क्या नाम है आपका? हेमंत साना। तो यहाँ पे इनका कैसा है मतलब ये अपना जो धुनार घाट है और गैरसैंण के बीच में है, और यहाँ पे जो भी घर की जो है साग सब्जियाँ वगैरह रहते हैं, चाहे वो आपके अखरोट हो गए, चाहे वो आपके कद्दू वगैरह, और एक घर की जो घींठी होती है वो आप देख सकते हो। मतलब कई लोग मुझे कह रहे थे कि रिंकू भाई कहाँ से अखरोट वगैरह मिलेंगे, तो वैसे तो मतलब है नहीं, पपत का खड़का नहीं है, मतलब क्या हिसाब से रेट 350 का थी 16 में 100 पीस ना, तो 350-100 रुपये के। अगर आप कभी भी गुजर रहे हो यहाँ से तो ज़रूर लें, जो गैरसैंण क्षेत्र के हैं, और नहीं है जो गैरसैंण क्षेत्र के तो पूरी वीडियो देखें आगे की वीडियो में है क्या जो कर्मचारी है। हाँ 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 कर्मचारी लोग ना खासकर, हाँ हाँ कर्मचारी हो गया, तो ये अध्यापक हो गया, तो तुम्हारे सब खेत के हैं ये? खेत के ही है। हाँ हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, क्योंकि भाई मोदी जी हमेशा कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल। बात फिलहाल मैं यहाँ पे सर्विसिंग के लिए आ चुका हूँ अपने मन्नू भाई की दुकान में, जो कि मैंने लास्ट टाइम जो पार्टी के मेले में आपको दिखाया था, तो ज़रा गाड़ी का सर्विसिंग वगैरह कराते हैं। मांग रही है आत्मा, भटक रही है धनों की, तो हो जाएगा ना आलम भाई? हैं आलम भाई, आत्मा भटक रही, नहीं भटकी पता, भटक रही है पूरी आगे पीछे भटक रही ना, तो इस चक्कर में ज़रा कर देना चकाचक। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता है गाड़ी का जो मतलब काम क्या होता है मेंटेनेंस का या फिर सर्विसिंग का, तो उनको बताना चाहूँगा, आप जब भी सर्विसिंग के लिए गाड़ी देते हो तो उसमें बेसिकली आपका जो एयर फिल्टर होता है वो चेकअप होता है, आपका जो ऑयल फिल्टर होता है वो चेकअप होता है, गाड़ी का जितने भी पार्ट्स वगैरह अगर कुछ ढीले वगैरह नेट बोर्ड है तो वो चेकअप होगा, ऑयलिंग होगी गाड़ी पे, तो ये सब सर्विसिंग के अंडर आते हैं बेसिक। उसके अलावा अगर कुछ आपकी गाड़ी में फॉल्ट है, कुछ दिक्कत है, तो वो अलग से चार्ज होते हैं और वो सर्विसिंग में नहीं आते बेसिकली। भाई त्योल बहुत नुकसान करे मनु भाई, वहाँ सुना है तो नहीं दे रहा ना, ना यहाँ रिकॉर्ड कुछ नहीं हो रहा, आप करते रहो करते रहो, बहुत बढ़िया गाड़ी जो है चमक रही है, तेल अब तेल लगाया तो हो गई। हम आपको दे रहा बाहर हूँ आगे हमारे यहाँ पे, ये कमल भाई बताएंगे हमारे क्या हो रहा। कमल भाई वैसा भी आपका एंड्रॉइड बंदा है, एंड्रॉइड उधर को एंड्रॉइड, अच्छा कमल भाई को बोला हमने थोड़ा आप कैमरे में आइए, क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरे भाई अपने जो भी कार वगैरह का यहाँ पे काम वगैरह होता है तो उनके यहाँ पे जो है काम करते हैं एंड्रॉइड बन रहा है। बताओ क्या बन रहा है? सर्विसिंग कराते कराते बारिश भी हो गई, ये देखिए मौसम कुछ इस तरीके का हो गया है, बारिश का मौसम था आज और अभी जो है गाड़ी का काम ओके हो गया है। और हरदा कैसे हो? ये हरदा है, तो मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एरिया है हमारे गैरसैंण क्षेत्र में, ये वाला एरिया
यहाँ पे आपका गाड़ी का जो है सब कुछ, चाहे टीबी हो रखी हो उसको, चाहे कोरोना हो रखा हो उसको, चाहे कैंसर हो रखा हो, सब इलाज होगा। क्यों? एक से एक डॉक्टर है यहाँ पे। तो यही है अड्डा है गाड़ियों का, गैरेज कह सकते हो, गैरेज पॉइंट। मैं भी जस्ट अभी अपने घर पे निकलूंगा, शाम का वक्त है। हमारी ताई जी हमारे साथ नीचे रोड से यहाँ तक आ रही है। और ताई जी कैसे हो? बढ़िया ठीक है जी। कौभल लगाने तीर की मात देखेगा। पहले इनका घर ऊपर था, फिर ये लोग भी नीचे आ गए हैं और कुछ टाइम बाद हम भी आ जाएंगे। तो ये होता ही है गांव में। ये कुछ गांव के खूबसूरत से नज़ारे, संतरे एक बार फिर आप देखिए। पूरा गांव जो है बारिश के बाद और भी ज़्यादा जो है हमारा खूबसूरत लग जाता है। वाह, सारे सफ़ेद मकान, सफ़ेद घर। अरे कॉल्याण यही बिराऊ सिल्की बिराओ ना ठीक क्यों कौन भाई सिल्की बिरा। आप ममता बेटी कैसी हो? और ताई जी क्या चल रहा है गांव में? फिर टॉफी दे दो हमें भी। एक टॉफी है बच्चा के, और एक बच्चा है और एक बेटी है, किसको दे? बच्चे के दो, बच्चे को। छोटा बच्चा है, जो बच्चा है वो बच्चे को दे दो। अरे पेड़ किरण में ये गदरुन डालू, गदरुन भाभी ने लगता है जो है गदरे में फेंक दिया बिल्ली के बच्चे को। अरे घर में अभी और जरा फ्रेश होते हैं, खाना खुना खाते हैं। और अभी जो एकदम टॉप में आ गया हूँ तो यहाँ से बॉस गांव का जो नज़ारा है और भी खूबसूरत दिख जाता है। ये देखिए एकदम बारिश के बाद एकदम फ्रेश मौसम। तो और अगर आपको इसका जो वो देखना ना कि मतलब कितना क्लियर है, तो अभी मैंने जो है 1080 पिक्सल और 16 Mbps बिट रेट पे जो है इसको एक्सपोर्ट किया है। कुछ ये नज़ारे को मैंने जो है 1080 पिक्सल एडिट। तो कई जो प्रोफेशनल लोग हैं कैमरे के उनको ये चीज़ पता होगा, जिनको नहीं पता है बता दिया कि मैं हाईएस्ट क्वालिटी रखता हूँ। और ये अपना घर, चाय गरम गरम गर्मा गर्म, बगीरा 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 बगीरा। नहीं कैमरे दिखाते हैं क्वालिटी कि कितनी बढ़िया है। इस वक्त शाम को जो गोल्डन आर होता है, मैजिक मैजिक आर होता है, जिस टाइम पे पूरा येलो येलो अगर आपको दिख रहा होगा जो सूरज है, तो उस तरफ से जब रोशनी आती है तो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। जब ऑस्मो एक्शन कैमरा हो तो और भी अच्छी आती है। आहा मेरा मौसम है इस तरफ, इसमें अगर चाय की चुस्की हो जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। हाँ तो मैं जो बता रहा था सुबह कि आपको एक टिप बताता हूँ कैमरा क्वालिटी से रिलेटेड, वीडियो बनाने से रिलेटेड, मतलब एक टिप्स बताने वाला। कई लोग मिलते हैं अपनी डेली लाइफ में और वो लोग कहते हैं यार रिंकू भाई मतलब कैमरा कौन सा ले हम, या फिर जो आपके पास ये गोप्रो है वो ज़्यादा बढ़िया है, कि ऐसे पूछते रहते हैं। पहले तो मेरे DJI Osmo Action है, GoPro आपका मैंने जैसे बताया 30-35 से ऊपर का है, और ये DJI Osmo Action भी 17-18 तक का भी मार्केट रेट है उसका। तो चाहे बढ़िया थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया, तो इसका जो है 17-18 मार्केट रेट है अभी। और ये इसमें भी सारे फीचर है, आप देख रहे हैं कैसी क्वालिटी है इसमें, स्लो मोशन शूट होता है जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना चैनल खोलूं और यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाऊं और कैमरा कौन सा लूं उसके लिए, तो देखिए अगर आपके पास फ़ोन भी है ना, मैंने पहले भी बोला ये चीज़, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है अच्छा वाला जिसमें मतलब कैमरा ओके है, सब कुछ दिख रहा है, तो भाई आप बनाओ। ये मत सोचो कि यार मेरे पास एक कैमरा होता अच्छा वाला, सब चीज़ पॉसिबल है, बस आपको ट्राई करने की देरी है। मैंने ट्राई किया, 20K हो गए, मुझे भी यकीन नहीं था टाइम पे इतने हो जाएंगे, बट हो गए ना। और आज ऐसा लग रहा है कि चलो 20,000 लोग रिंकू पहाड़ी से जुड़े हैं, तो कल की डेट में 1,00,000 भी होंगे आपके पास। मतलब अच्छे सोचे आपने कि ब्लॉग करूं, कुछ भी करूं, पर मेरे को बनाना है बट बनाने की सुविधा नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन सबसे बेस्ट है। तो यही आज का वीडियो था मेरा कि यार DJI Osmo Action तुम्हारा भाई चलाता है, बाकी तुम्हें क्वालिटी कैसी आप देख ही सकते हो। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ऐसी सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर आगे बात करेंगे ना, कौन से भी बातें खत्म हो गई है। मिलते हैं, बाय।